शिमला जिला के रामपुर में राष्ट्रवाद राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों व समाधान विषय को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुख्य मंजीतर सिंह बिट्टा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से 70 साल बाद धारा 370 को कैंसर रूपी बीमारी को खत्म किया गया है, इससे देश में अमन चैन आएगा। शिमला जिला के रामपुर में राष्ट्रवाद राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां व समाधान विषय को लेकर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के प्रमुख मंदीरजीत सिंह बट्टा थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से 70 साल बाद धारा 370 की कैंसर रूपी बीमारी को खत्म किया गया, इससे देश में अमन व चैन आएगा। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ऐसा भारत बनाकर दे दिया जिसे सुनहरी पन्नों पर लिखा जाएगा। बिट्टा ने बताया कि करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर जो लोग राजनीति करना चाहते हैं या जो यात्रा शुरू हुई है ये अवश्य जारी रहेगी। खालिस्तान न बना था न ही बनेगा, ये आज का भारत है। हम गारंटी से कहते हैं कि पाकिस्तान जो मर्जी करे, J&K से धारा 370 हटा दी तब भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, अब पाकिस्तान की क्या हिम्मत। पाकिस्तान की तो खुद हालत ठीक नहीं है, आने वाले समय में पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं। नहीं लगेगा हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंका गया, कहीं ये नहीं लगेगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को उसको बेअदब किया गया है। आज हमारी सुरक्षा फोर्सेस बिल्कुल तैयार खड़ी है, आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के सामने इस चीज को लेकर के नंगा कर दिया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ऐसा वो हिंदुस्तान के बहादुर योद्धे ने नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसा अमित शाह ने मौत का कफन बांध करके ऐसा काम किया कि आने वाले जनरेशन के लिए एक ऐसा भारत दे दिया कि हमारी जनरेशन इतिहास को कभी भूलेंगे नहीं और इतिहास के सुनहरी पन्नों में ये लिखा जाएगा नाम। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।